हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव कुमार गुप्ता। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने YouTube चैनल को एडसेंस से कैसे लिंक कर सकते हैं, यानी आप अपने YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन कैसे इनेबल कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहां पे जैसे कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जहां पे हम YouTube की छोटी छोटी चीजों को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो यदि आप एक नए यूट्यूबर हो या आप यूट्यूब चैनल बनाने की सोच रहे हो तो आप हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पे जितने भी वीडियो आने वाली है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो भैया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलो हम जानते कि कैसे YouTube चैनल को एडसेंस से लिंक करना है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहां पे हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने YouTube चैनल को Google AdSense से कैसे लिंक कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो मैंने कुछ भी नहीं किया है। देखो यहां पे मैंने अपना जो Gmail ID है जिससे मैंने YouTube क्रिएट किया था, YouTube चैनल क्रिएट किया था, उससे मैंने यहां पे साइन इन कर लिया है। आप भी कर लीजिए। इसके बाद देखो मैं आपको दिखा देता हूं अपने चैनल में। तो माय चैनल में यदि मैं जाता हूं तो यहां पे देखो मैंने कुछ भी अभी अपलोड यहां पे नहीं किया, ना तो मैंने यहां पे लोगो लगाया है, ना ही यहां पे चैनल बैनर सेट किया है। तो कुछ भी अभी यहां पे सब सिंपल सा है। सिर्फ ये डेमो के लिए मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे आप अपने यूट्यूब को गूगल एडसेंस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे देखो आपको YouTube स्टूडियो में जाना होगा, इसे क्रिएटर स्टूडियो भी बोलते हैं। तो चलिए हमने इसको क्लिक कर दिया और यहां पे हम पहुंच रहे हैं। इसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है, यहां पे अपलोड वीडियो का ऑप्शन आ रहा है। तो यहां पे देखो आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक, तो क्लासिक में हमको जाना होगा, हम स्किप कर देते हैं। और यहां पे आपको जाना होगा चैनल सेक्शन में। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल में आपको जाना होगा अपने गूगल क्रोम में। ठीक है, आप यदि यूट्यूब के ऑफिशियल ऐप है उसके जरिए करेंगे तो यहां पे ये सारे ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो आपको यदि आप मोबाइल से ही करना चाहते हैं तो आपको गूगल क्रोम में जाना होगा, वहां पे साइन इन करके करना होगा। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं मैंने अपने चैनल को वेरीफाई नहीं किया है, तो मतलब स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूं सारी चीजें। तो यहां पे देखो यदि आप नीचे जाएं तो यहां पे देखो अपलोडिंग इनेबल है, यानी मैं वीडियो यहां पे अपलोड कर सकता हूं। यहां पे मोनेटाइजेशन इलिजिबल है लेकिन अभी इनेबल नहीं हुआ है। ठीक है, और ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जैसे आप वीडियो डालते हैं तो कस्टम थंबनेल भी यहां पे अभी नॉट इनेबल है, क्योंकि हमने अपने चैनल को वेरीफाई नहीं किया है। ठीक है, तो वेरीफाई जब कर लेंगे तो ये चीजें भी कर पाएंगे। और यहां पे अभी अपनी वीडियो में हम एनोटेशन भी नहीं लगा सकते क्योंकि हमने अपने चैनल को अभी वेरीफाई नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए हम वेरीफाई पे क्लिक करते हैं और इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहां पे कॉल मी, यानी वो कॉल करें हमारे पास या हमारे पास मैसेज भेजे, तो टेक्स्ट मी द वेरिफिकेशन कोड और यहां पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूं, यहां आगे जीरो लगा देता हूं और कर देता हूं सबमिट। सबमिट करने के बाद इन्होंने 6 अंक का एक वेरिफिकेशन कोड भेजा है, वो मुझे मिल चुका है। तो चलो हम यहां पे डाल देते हैं और इसके बाद मैं करता हूं सबमिट। सबमिट करने के बाद देखो यहां पे हमारे पास वेरीफाइड हो चुका है, कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया है। तो चलो हम कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करने के बाद देखो यहां पे अभी ये वेरीफाइड नहीं दिख रहा है, वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा है। यदि आप रिफ्रेश करके देखें यहां पे वेरीफाइड का टिक आ गया है। ठीक है, अब यदि आप नीचे जाएं तो देखो यहां पे कस्टम थंबनेल भी अब लगा सकते हैं और एक्सटर्नल एनोटेशन भी इनेबल हो चुका है। अब चलो यहां पे मोनेटाइजेशन जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो यहां पे इनेबल पे क्लिक करते हैं और इनेबल करने के बाद यहां पे देखो स्टार्ट पे क्लिक करना होगा। तो यहां पे YouTube पार्टनर प्रोग्राम की जो टर्म एंड कंडीशन है उसको आपको रीड करना है, तो यहां पे आप इसे पढ़ सकते हैं। और यदि आप देखो YouTube में काम करना चाहते हो तो आपको इसको पढ़ना ही चाहिए, मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसलिए आप भी इसे पढ़ लो और इसे भैया कर लो एक्सेप्ट सबको और आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर दो। अब कई बार आई एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद ये लोड नहीं हो पाता, तो आपको फिर से रिफ्रेश करना होगा और व्यू मोनेटाइजेशन एग्रीमेंट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद इसको भी आई एक्सेप्ट करना होगा। चलो हम आई एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम पहुंच जाएंगे सेकंड नंबर पे। ये हमारा पहला नंबर पूरा राइट हो गया, अब हम सेकंड नंबर पे पहुंच गए हैं। यहां पे हमको एडसेंस को साइन अप करना होगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद हमारा यहां पे गूगल एडसेंस का एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यही ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट है, ये वेबसाइट नहीं है मतलब YouTube चैनल को ये वेबसाइट के URL पे ले लेता है। यदि आप डायरेक्ट एडसेंस सर्च करके यदि आप करेंगे तो वहां से नहीं होगा। ठीक है, तो आपको यहीं पे डायरेक्ट आना होगा और यहां पे चलो ये यस कर देते हैं और यहां पे कंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्री हमारी है भैया इंडिया, तो इंडिया हम यहां पे डाल लेते हैं इंडिया ये। और इसके बाद इंडिया की जो टर्म एंड कंडीशन है वो यहां पे आपको रीड कर लेना है, एडसेंस की जो टर्म एंड कंडीशन है और भैया चेक करना है और क्रिएट अकाउंट पे हमको क्लिक कर देना है।
तो ये जो हमारा अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करते हैं गूगल एडसेंस में, और यहाँ पे हमको ये एक फॉर्म भरना पड़ेगा। ये बहुत ही सिंपल सा है। तो देखो अकाउंट टाइप इंडिविजुअल की बिजनेस, तो यदि आप बिजनेस के लिए करना चाहते हैं, वैसे फिलहाल यदि आप एक यूट्यूब चैनल अपने लिए बनाना चाहते हैं पैसे कमाने के लिए, यदि आपका बिजनेस है तो बिजनेस यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, यदि इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं तो इंडिविजुअल यहाँ पे बना दीजिए। यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने नेम डाला, यहाँ पे एड्रेस आपको डालना है, तो चलो हम डाल देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमको अपनी सिटी का नाम डालना है, तो सिटी हम डाल देते हैं। और यहाँ पे हमको पोस्टल कोड डालना है, तो चलो हम डाल देते हैं। और यहाँ पे हमको स्टेट सेलेक्ट करना है, तो हमारा स्टेट है मध्य प्रदेश। ये हमने फॉर्म को भर दिया है। और यहाँ पे भैया आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, और ये ऑप्शनल है, तो चलो इसको नहीं डालते और कर देते हैं सबमिट। सबमिट करने के बाद जो हमारा फॉर्म है वो भर चुका है, और हमारा जो एडसेंस का अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। तो यदि आप अपने एडसेंस को लॉगिन भी करना चाहते हैं, तो आपको बगल में एडसेंस यहाँ पे सर्च करना है। एडसेंस सर्च करने के बाद आप इसे साइन इन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे आप यदि साइन इन करना चाहते हैं तो गूगल एडसेंस को आपको ओपन करना होगा, और वही जीमेल आईडी और पासवर्ड से आप एडसेंस को लॉगिन कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इसको मैं कट करता हूँ, और यहाँ पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे आप अपने खुद के फिर से यूट्यूब चैनल में, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अब तीसरे नंबर पे हम आ चुके हैं, सेट मोनेटाइजेशन प्रेफरेंसेस, और इसको स्टार्ट पे हम क्लिक करते हैं। और यहाँ पे भैया तीनों तरीके के एड को आप चेक कर दो और सेव कर दो, तो ये हमने कर दिया है सेव। इसके बाद हम पहुंच जाएंगे भैया चौथे नंबर में, हमने तीन यहां पे कंप्लीट कर लिया है और हम पहुंच चुके हैं चौथे नंबर पे। और यहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो जीरो हैं, क्योंकि हमने अभी यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, और हमारा जो वॉच टाइम है वो भी जीरो है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि पिछले 12 महीनों के अंदर आपके YouTube चैनल में 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर हो जाने के बाद ही जो आपका चैनल है वो रिव्यू के लिए भेजा जाएगा। यानी एक साल के अंदर अंदर आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम अपने YouTube चैनल में कंप्लीट करना है सारी वीडियो मिला के, साथ ही 1000 सब्सक्राइबर आपको अपने YouTube चैनल में कंप्लीट करना है। जैसे आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो YouTube चैनल है वो रिव्यू के लिए जाएगा, और यदि सब कुछ सही रहा तो आपका जो मोनेटाइजेशन है वो इनेबल हो जाएगा। तो दोस्तों यही सारी चीजें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो यहां पे आई होप सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से जल्दी आप अपने सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करिए और वॉच टाइम कंप्लीट करिए, तो आपका जो चैनल है वो मोनेटाइजेशन उसका इनेबल हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यदि आप किसी की वीडियो कॉपी करते हैं या गलत तरीके से काम करते हैं, तो आपका जो मोनेटाइजेशन है, भले ही आप 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर लो, लेकिन आपका चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होगा। तो ये चीज याद रखना, तो अच्छे तरीके से वर्क करो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज अब इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो भैया मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।